अगेन टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल। आई नो मैं ये वीडियो काफी लेट अपलोड कर रही हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको युबॉन की फिटगुरु 5.0 स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करके दिखाई थी। सो इस वीडियो में मैं आपको सेम वॉच में कस्टम वॉलपेपर कैसे ऐड करना है वो बताऊंगी। सो वॉच में ये कस्टम वॉलपेपर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए आपको एक ऐप की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो उस ऐप का नाम है सुपर बैंड। ये ऐप आपको पहले तो आप अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। सो इस ऐप से आप अपने स्मार्ट वॉच को कनेक्ट कर सकते हैं, युबॉन की वॉच को आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपको ये सुपर बैंड जो ऐप है ये आपको डाउनलोड करना होगा, जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। सो ये ऐप आपको डाउनलोड करना है अपने फोन में। मैंने ऑलरेडी कर रखा है प्ले स्टोर से जाके, क्योंकि नेटवर्क इशू ना हो। सो मैंने भी अभी रिसेंटली डाउनलोड किया है। सो ओपन करके देखते हैं। सो जब आप सुपर बैंड ऐप को खोलेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ऐसा आपको इंटरफेस कुछ दिखाई देगा जिसमें आपके वॉच से रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। सो जब आप कनेक्ट करेंगे सो आपकी वॉच की जितने भी क्वायरीज हैं सब इससे कनेक्ट हो जाएंगे। सो कस्टम वॉलपेपर लगाने के लिए आपको बॉटम के साइड 4 ऑप्शंस दिखते होंगे आपको, जिसमें होम का ऑप्शन है, सेट का ऑप्शन है, मोशन का ऑप्शन है और फोर्थ वाला माइन है, जिसमें आप जब अपने फोन अपने स्मार्ट वॉच को अपने फोन से कनेक्ट कर लेंगे सो आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो इसमें बता देगा। जैसे कितना आपने स्टेप किया है, कितना वॉकिंग किया है, वो जब आप अपने वॉच को इससे कनेक्ट करेंगे उस टाइम बताएगा। सो आपको वॉलपेपर ऐड करने के लिए सेकेंड वाला जो सेट का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर के साइड बाइंड का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। सो बाइंड मतलब आपको अपने स्मार्ट वॉच को अपने फोन से बाइंड करना होगा। इसके लिए आपको जो स्मार्ट वॉच है उसको उसमें आपको जो है ड्यूअल बाइंड का जो ऑप्शन है वो आपको ऑन करना होगा। सो यहाँ सबसे फ्रंट में जब अपनी वॉच को आप ओपन करेंगे तो जो सबसे फर्स्ट में जो आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे वो आपको ड्यूअल मोड है, यहाँ पे ऑन आपको कर देना है या ऑन पे क्लिक कर देना है ताकि ये जो ड्यूअल मोड है वो ऑन हो जाए। ऑन होने पे ये जैसे ब्लूटूथ ऑन होता है वैसे ही ये कनेक्ट हो चुका है, आपका ये ऑन हो चुका है। सॉरी, अब बाइंड का जो ऑप्शन दिख रहा है फोन पे, इस बाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो अभी मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया तो जैसे बाकी एप्स अलाउ मांगते हैं वैसे यहाँ पे अलाउ करते जाना है आपको जो भी ऑप्शन करेगा। थोड़ा टाइम लेगा फिर यहाँ पे आपको लोकेशन वगैरह यूज करने को। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसका ड्यूअल मोड ऑन कर रखा था तो ड्यूअल मोड ऑन करते हैं यहाँ पे जो नियर बाई मेरे स्मार्ट वॉचेज होंगे उनका कनेक्शन दिखाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको युबॉन SW71 का दिख जाता है, ये दूसरा कोई वॉच जिसका एक्टिव है ड्यूअल मोड। सो आपको अपनी वॉच से कनेक्ट करना है तो आपकी वॉच का जो है युबॉन 71 मेरी वॉच है। सो इस पे हम क्लिक करने पे यहाँ पे आपका देखिए कनेक्ट हो गया है। ओके, सो आपकी ये जो स्मार्ट वॉच है आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो गई है। आपको ध्यान देना है कि आप अपने स्मार्ट वॉच को ही अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करें, किसी और के स्मार्ट वॉच को नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। अब आपको फिर से सेकंड वाले ऑप्शन में जाना है। सेकंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद फोर्थ नंबर पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डायल सेटिंग का, उस डायल सेटिंग के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। डायल सेटिंग के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में, और फिर यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स जो कुछ कस्टम वॉलपेपर्स ऑलरेडी हैं वो आपको शो करेंगे। यहाँ पे एन नंबर ऑफ कस्टम वॉलपेपर्स हैं जो आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अपनी खुद की पिक लगा के देखेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल ये चाहते हैं कि हम अपने स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन पे खुद की पिक लगाए रखें वॉलपेपर। सो यहाँ पे आपको वैसे तो दिख जाएगा तो आप इसमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। जैसे मैं ये क्रिसमस ट्री वाला पिक करती हूँ। सो इस पे जब मैंने क्लिक किया है तो आपको दो ऑप्शंस देता है, चेंज द डायल एंड सिंक्रोनाइज्ड डायल। सो आपको चेंज द डायल पे क्लिक करना है। जब आप चेंज द डायल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउंस मांगे, आपको अलाउ करते जाना है और फिर यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे मेरी गैलरी ओपन हो गई है। सो यहाँ पे आपको जो भी अपने स्मार्टफोन पे लगाना है आप वो चूज कर लें। जैसे मैंने अपनी पिक को सेलेक्ट किया है। अब ये साइज लिमिट मांगेगा, आप अपने साइज लिमिट पे क्लिक करें। सो मैंने ये साइज लिमिट सेट कर ली है, जितना मुझे चाहिए, जितना आपको चाहिए आप उतना सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे टॉप राइट साइड में ओके कर देना है। सो ये हो गया है। अगर आपको और यहाँ पे आपको जो
वॉच की जो टाइमिंग है आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना, जैसे मुझे सेकंड वाला ठीक लग रहा है अपने पिक के अकॉर्डिंग, सो मैंने ये सेट कर लिया है। सो सुटेबल टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे सिंक्रोनाइज डायल का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। सो जब आप इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा लोडिंग होगा थोड़े टाइम का। अब कनेक्ट हो गया है, अब ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम लगता है। सो थोड़े टाइम में आपकी जो वॉच का स्क्रीन है उस पे आपने जो वॉलपेपर सेलेक्ट किया है वो सेट हो जाएगा। सो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आप वेट कर सकते हैं। सो ग्रेडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, जब ये 100% हो जाएगा सो ये आपकी वॉच से कनेक्ट हो जाएगा। सो जैसा आप देख रहे हैं 99 एंड ये हो गया है, और ये मेरी वॉच की स्क्रीन पे जो वॉलपेपर मैंने चूज किया था वो सेट हो गया है। सो ऐसे करके आप अपने स्मार्ट वॉच पे अपनी कस्टम वॉलपेपर यूज कर सकते हैं। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इस वॉच से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।